उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक को उड़ाने की हुई साजिश, किसने रची साजिश? एनआईए और एटीएस की टीम हुई सक्रिय जांच करने के लिए, क्या कहा रेलवे मंत्री ने? देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बड़ी खबर आई है, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश हुई है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो आपको हिला देगी। यह तस्वीरें हैं उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक की, जिसको उड़ाने की साजिश हुई है। देखें आप ये पटरी का हिस्सा जो बिल्कुल तड़क गया है और जगह जगह से टूट गया है, और इसकी ये दशा देखकर आपको भी आश्चर्य होगा कि अगर इस मार्ग पर ट्रेन गुजरती तो क्या हाल होता। बहुत बड़ा पुल आपको जो दिखाई दे रहा है उसको उड़ाने की कोशिश हुई है और साजिश रची गई है। इस साजिश के लिए कौन जिम्मेदार हैं और किस तरह की कार्रवाई हो रही है? जैसे ही इस घटना का पता चला रेलवे विभाग को, पूरे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और टीमें जुट गई इसकी तह तक जाने के लिए। क्या एटीएस का दल, क्या एनआईए का दल, क्या रेलवे का दल क्या कर रहा है? साजिश के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आप भी देखिए। There was an explosion on a track about 35 kilometers away from Udaipur. The teams of state government ATS, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site. As soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3 to 4 hours, the track will be restored and trains will start running again. We think it is very dangerous because of the recent happenings which have happened in Udaipur. So we are very concerned about it and we have taken all possible steps, deployed the maximum possible, best possible teams to complete the investigation. ऐसी साजिशों के प्रति राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से संवेदनशील है और अपराधियों तक पहुंचने के लिए बड़ी कवायद में जुट गई हैं टीमें, चाहे एनआईए की हो, एटीएस की हो या रेलवे की हो। सभी टीमें अपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और ट्रैक को पूरी तरह से मरम्मत कर दिया गया है और जैसे ही हरी झंडी मिलती है ट्रैक को पुनः चालू कर दिया जाएगा। अब आप देखिए किस तरह से यह साजिश हुई है और किस तरह से इस पटरी को नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से जुटी हुई है टीमें कि कौन है इस साजिश का कर्ता और मुखिया और किस वजह से यह साजिश हुई है। टीमें जुटी हुई हैं और जो ट्रेनें इस ट्रैक पर आ रही थी उन्हें डूंगरपुर में ही रोक दिया है और वहां से यात्रियों को बसों के द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आखिर साजिशकर्ता ने ऐसा क्यों किया, यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। आइए हम आपको लिए चलते हैं संभागीय आयुक्त उदयपुर राजेंद्र भट्ट क्या कह रहे हैं इस पर। पटरी है वो टूटी हुई है और उसकी एफएसएल जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं,
और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंजाम सरकार ने करवा कर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो इस रिपोर्ट किया, यह हादसा बचा है। और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस, पूरी टीम हमारी FSL की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण है। अभी FSL की जांच होने पर इसमें पता लगेगा कि किस कारण से हुआ है, तो वो कारण सामने आने दीजिए, फिर देखेंगे। हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रैक का लोकार्पण किया है और इस ट्रैक को इस तरह से उड़ाने की जो साजिश हुई है उसके लिए पूरी तरह से टीमें लगी हुई हैं। क्या कहना है उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा व उदयपुर SP विकास कुमार का? देखिए, उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन का इस दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की बहुत बड़ी परियोजना अभी 21 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके रेलगाड़ी शुरू करके शुरुआत करी थी। हमारे देश में और उदयपुर क्षेत्र में मेवाड़ वागड़ में कुछ असामाजिक इस तरह के तत्व लगे हुए हैं जो सरकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसके तह तक जाके इनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करे। FSL टीम एग्जामिन कर रही है और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही आगे किसी चीज़ पूछा जाएगा। बाकी हमारी टीम्स लगी हुई हैं और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी वो अभी एक जो ट्रैक है उसको नुकसान पहुंचाया गया है और उसके बारे में जो टीम्स हैं वो एग्जामिन कर रही हैं। ATS की टीम हमारे साथ लगी हुई है और हम आसपास कॉम्बिंग और सर्वे करवा रहे हैं।